नमस्कार, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि के बुध राशि परिवर्तन की। बुध देव जो कि आपके द्वितीय हाउस में गोचर करने वाले हैं, द्वितीय हाउस में आपके शुक्र और सूर्य पहले से विद्यमान हैं। शुक्र के साथ इनका बनेगा लक्ष्मी नारायण राज और सूर्य के साथ इनका बुध आदित्य राजयोग बनेगा। अब देखिए, बुध जो है बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। 10 मई 2024 को रात्रि 7:45 पर ये मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में पदार्पण करने जा रहे हैं। तो ये बुध आदित्य राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग आपके लिए किस तरीके से प्रभावकारी होगा, इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी कि ये इस समय आपके संपत्ति के भाव में है, धन के भाव में है, आपके बैंक के घर में है, आपकी वाणी के कारक है, बुद्धि के कारक है। बुध देव जो है बुद्धि, शेयर मार्केट, इंटरनेट, मीडिया, बैंकिंग, रिसर्च, प्रकाशन, ये बुधदेव के कारकत्व में ये फील्ड आते हैं। तो इन फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत विशेष समय है, बहुत उन्हें अप्रत्याशित रूप से सफलता मिलने वाली है। क्योंकि भाई बुधदेव आपके केंद्र चतुर्थ भाव के और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि आपके धन संपदा बढ़ने के योग बनाकर ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो आपकी वाणी में एक विशेष प्रभाव होगा, वाणी आपकी बहुत पोलाइट होगी, वाणी आपकी वाणिज्यिक होगी, यानी कि व्यापारी वर्ग जैसी। तो इस समय पर जो लोग व्यापारी वर्ग से हैं उनके लिए, तो क्योंकि आपके ही भाव के स्वामी हैं और धन भाव में जाकर बैठे हुए हैं, तो मतलब कह सकते हैं ना, अप्रत्याशित सफलता का योग बना रहे हैं। वैवाहिक जीवन में यदि कोई पहले से कटुता आ रही थी तो वह इस समय पर दूर। आपकी वाणी की मिठास, बोलने की कला शैली लोगों को अनायासी अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। आप एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में लोगों की नजर में आएंगे। आपकी जो संवाद शैली होगी, अब देखिए कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका पूरा कार्य वाणी के द्वारा ही होता होगा, जैसे व्यापारी वर्ग है या फिर मीडिया वर्ग से है या सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं। तो आप, हो सकता है कि वाणी के द्वारा ही आपका सारा कार्य चलता हो, या फिर नौकरी में आप ऐसी कर रहे हो वहां पर भी वाणी का ही। तो जिन लोगों का वाणी का जुड़ा हुआ कार्य है उन लोगों के लिए यह समय विशेष है। यह समय ऐसा समय है जब आपको अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, आपके सुखों में वृद्धि होगी, आपके व्यापार में वृद्धि होगी। अब देखिए, ऐसे समय पर मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगी कि जो लोग भी निगेटिव कमेंट करते हैं उनके लिए दो शब्द कि देखिए ऐसा नहीं होता है, बुद्धि सभी के लिए आवश्यक है। अब जो मैंने शुरुआत में जो फील्ड्स बताए हैं, इन फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए प्रत्यक्ष रूप से यह गोचर दिखाई देगा, लाभ देता हुआ। लेकिन जो लोग इनसे जुड़े हुए लोग नहीं है, तो बुद्धि तो सभी के लिए जरूरी है। मान लीजिए कि मैं कहीं जॉब कर रही हूँ, मेरी बुद्धि इतनी अनियंत्रित हो गई, मेरी वाणी अनियंत्रित हो गई और मेरी वाणी के द्वारा ही मैंने ऐसा कुछ कार्य कर दिया कि मुझे नौकरी से डिसमिस होना पड़ गया। या फिर मैं बिजनेस फील्ड में हूं, मैंने बुद्धि और वाणी का ही प्रयोग किया और मैंने जबरदस्त सफलता मिल गई, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब स्टूडेंट्स वर्ग के लिए जैसे कहें कि इस समय पर उनका पढ़ाई में पूर्ण फोकस लगेगा, तो अब स्टूडेंट्स वर्ग भी अलग अलग हो गया। देखिए, जो लोग नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं उनको तो ये गोचर काल प्रत्यक्ष कुछ नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि उनका सिर्फ इतना ही फर्क दिखाई देगा कि उनकी बुद्धि जो है इस समय पर फोकस्ड होगी कि अपने लक्ष्य पर। कि जैसे मान लीजिए ईयरली एग्जाम है, ईयरली एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है। लेकिन जो लोग किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं या फिर विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही प्रभावशाली प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देगा उनके लिए। तो ये चीजें हो जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि बुद्धि का कारक तो किसी को नहीं प्राप्त है। अब जैसे सूर्य पिता के कारक होते हैं, सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, तो क्या सूर्य जो है सिर्फ पिता के जिनके हैं उनसे ही सम्मान, पिता से या फिर सरकारी नौकरी वालों को ही लाभ देंगे? ऐसा नहीं है। मान सम्मान में वृद्धि किसे नहीं चाहिए, नित नई मान सम्मान, जहां पर वो जाए लोग उनका सम्मान करें, अभिवादन करें, ये चीज तो सभी को आवश्यक है। तो ये चीजें हो जाती हैं।
सभी के लिए ग्रहों का कारकत्व जरूरी होता है, लेकिन प्रत्यक्ष लाभ उन्हीं को दिखाई देता है जिनके जीवन में वो उस ग्रह से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं। तो ये चीजें हो जाती हैं, विशेष धन लाभ की स्थिति बनेगी आपके जीवन में सुगत आपके उच्चाधिकारी वर्ग आपसे संतुष्ट रहेगा। आपके शेयर मार्केट से कार्यरत लोगों के लिए विशेष लाभकारी समय यह दिखाई देगा, क्योंकि देखिए आपके धन लाभ स्थान पर लक्ष्मी नारायण राजयोग और बुधादित्य राजयोग दोनों का ही समावेश हो रहा है। तो यहाँ पर यदि आप देखिए शेयर मार्केट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपके लिए उत्तरोत्तर धन वृद्धि होगी। व्यापारी वर्ग है उत्तरोत्तर धन वृद्धि होगी। गृहिणी वर्ग है तो देखिए गृहिणी वर्ग के लिए भी इस वक्त वो वाणी से पूरे परिवार को अपने प्रभावित रखेंगे, उन्हें धन लाभ भी होगा। धन लाभ पति की तरफ से देखिए या फिर पुत्र की तरफ से हो सकता है। देखिए जब धन व्यक्ति के पास ज्यादा आता है तो वह अपने सुखों पर व्यय करता है, तो यानी कि इस समय पर आप अपने घर के लिए नित नई सुख सुविधाओं के सामान खरीदते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा सा अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहें, खान पान पर नियंत्रण रखें। आप ऐसा ना हो कि कहीं खान पान अनियंत्रित हो जाए, उसकी वजह से आप बेकार में ही समस्याएं मोल ले लें। तो थोड़ा सा खान पान को लेकर नियंत्रण रखें। आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई हैं। विदेश जाकर पढ़ने वाले लोगों के लिए भी यह समय बहुत उत्तम है। अब यदि बात करें इस समय पर सीधी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही है तो ससुराल पक्ष से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ससुराल पक्ष से आपके संबंध और प्रगाढ़ हो सकते हैं। यदि बिगड़े हुए हैं तो संबंध अब सुचारू चलते हुए दिखाई देंगे। बात करें यदि तो गुप्त धन आपको कहीं से प्राप्त हो सकता है। हो सकता है आपने किसी को धन दिया हो, आपसे भूल गए हो, या कहीं पर आपने ही रख दिया हो, उसे भूल गए हो, तो या फिर कोई आपने ऐसा काम किया हो जिसकी अभी तक पेमेंट ना हुई हो, बहुत धन मिल सकता है। या फिर अभी तक आपको पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिल रहा था तो पैतृक संपत्ति का इस समय पर लाभ होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब यह बुध का गोचर जो है, देखिए अब आप कहेंगे सिर्फ चार दिन के लिए बुधादित्य राजयोग बन रहा है और सिर्फ 9 या 10 दिन के लिए लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है, तो मैं ये कहूंगी कि देखिए यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियां सामान्य भी हैं, उच्च नहीं तो सामान्य तो होनी ही चाहिए, तो यह 2 क्षण में भी राजयोग अपने प्रभाव देकर जाते हैं। तो देखिए अभी बुध देव जो है 31 तारीख को फिर से राशि परिवर्तन कर देंगे। यदि आप इन फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आप अपने कार्य को पूर्ण रूपेण फोकस्ड होकर करें, आपके लिए बेहतर स्थितियां का आगमन होगा। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा हम बात करेंगे उपायों को। देखिए उपाय हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। यदि हमारा ग्रह खराब है तो वो हमारे लिए धीरे धीरे शुभ होना प्रारंभ कर देता है, और यदि शुभ है तो उसमें बल आना प्रारंभ होता है। जितना ज्यादा बल होगा उतना ही ज्यादा ग्रह से हमें लाभ मिलेगा। तो बुध के लिए ओम बुम बुद्धाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जाप अपनी सुविधानुसार प्रारंभ करें। गणेश जी बुध ग्रह के देवता हैं। गणेश जी का नित्य प्रति दर्शन करें, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ करें, किन्नरों से आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके लिए बेहद शुभकारी समय है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।